हाय दोस्तों, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सी फाइनल मई 22 की ऑल इंडिया 7th रैंकर अंजलि गोयल से। अंजलि ने 800 में से 600 मार्क्स अचीव किए हैं और 7th रैंक अचीव करी है। अंजलि, कैसा लगा आपको रैंक देके और कैसे पता चला रैंक के बारे में? सर, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 7th आई है। बहुत ही अच्छा लगा जैसे रिजल्ट देखा। तो आज थोड़ा रिजल्ट थोड़ा अर्ली आ गया था, अराउंड 7:30 एंड 8 o'clock के अराउंड आ गया था। तो उस टाइम तक एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिजल्ट इतना जल्दी आ जाएगा। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड कि रिजल्ट आर आउट। तो उस टाइम फिर मैंने रिजल्ट चेक किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी। तो एक बार जैसा लगा तो जल्दी क्यों आ गया फालतू सर लगा भी और नहीं भी लगा, तो इट में? वाज एक साइड से ठीक था कि टेंशन कम हुई, वरना पूरा दिन टेंशन चलती है रिजल्ट चलो, की। बहुत अच्छा है, क्योंकि तो वैसे भी जहाँ सीए की एग्जाम है, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं, जिसमें एक बार में पास करना मुश्किल है, और उसमें तुमने बहुत रो पास तो किया ही है और 7th रैंक अचीव करी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने इतनी मेहनत करी है, उसका जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट आपके जूनियर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस में जूनियर स्टूडेंट्स के पॉइंट से पूछूंगा, उसमें सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका जब इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, और उससे में आपके आर्टिकल से भी स्टार्ट होती है और स्टडी करने का प्रेशर भी बैठता है, तो आपने कैसे बैलेंस मेंटेन किया दोनों का, आर्टिकलशिप एंड स्टडी का कैसे बैलेंस मेंटेन किया? सर मैंने अपनी आर्टिकलशिप जो ज्वाइन की थी, इट इज़ फ्रॉम अ बिग फोर फर्म, KPMG। एंड तो जैसे ही मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की स्टार्ट की, एंड तो क्लासेस भी मुझे साथ साथ ही कंप्लीट करनी थी, बट आई स्टार्टेड क्लासेस आफ्टर अराउंड 4 months आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्टिकलशिप। तो हाँ, साथ साथ, सो इन द मॉर्निंग आई यूज टू टेक क्लासेस, उसके बाद आई यूज टू रश टू द ऑफिस। तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग, बट हाँ, सीए स्टूडेंट है तो करना ही पड़ता है। तो या आई डिड माई ट्राइड माई बेस्ट एंड यस। बिल्कुल, इससे आप लोग प्रेशर झेलना भी सीख गए कि मतलब ज्यादा स्ट्रेस के साथ प्रेशर कैसे झेला जाता है, जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, आपका जो सिलेबस कंप्लीट कब हो गया था, यानी एग्जाम के कितने महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था कि हाँ चलो मेरा कोर्स एक बार हो गया और रिविजन भी एक बार हो गया, कितने टाइम पहले हो गया था? सर सो आई से मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था अराउंड 6.5 months, 6.5 months पहले। तो यस, उस टाइम मेरी क्लासेस, कोर्स, एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड। उसके बाद मुझे अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करनी थी, एंड सो मैं अपनी स्टडी लिस्ट पे गई, तब मैंने अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट की थी। जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया था उस समय फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया, जब आपके 10 10 डेज का फर्स्ट रिवीजन चल रही थी 100% की, उस समय से रिवीजन करना चालू कर दिया था। तो उस यस समय बताओ, तुम्हारा रिवीजन पूरा हो जाता था क्या? जब जो टाइम मिलता था फर्स्ट टेस्ट सीरीज में 10 डेज का गैप मिलता था, उसमें कोर्स पूरा हो जाता था या कुछ रहता था? नहीं सर, पूरा 100% कोर्स कवर नहीं होता था, थोड़ा पार्ट रहता था, बट आई यूज टू ट्राई कि मैक्सिमम कवरेज हो जाए। और अगर वो नहीं हुआ तो बाद में थोड़ा और कोई सब्जेक्ट जो मेरा बेटर है, लाइक इट इज एन इलेक्टिव, तो इलेक्टिव में से थोड़े डेज में उसमें शिफ्ट कर देती थी। तो आई यूज टू ट्राई कि मेरा कवर हो सिलेबस, बट 100% सिलेबस मेरा कवर नहीं हो पाया था। कितना परसेंट हुआ था? डिपेंड्स कौन सा सब्जेक्ट है, बट आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ सिलेबस। नहीं, मैगजीन में, लेकिन किसके सिलेबस में कम हुआ, किसके सब्जेक्ट में कम सिलेबस हुआ, जैसे किस किस में छूटा तुम्हारा सिलेबस जो एंड तक नहीं हो पाया? मेरा DT में थोड़ा सा पार्ट रह गया था इंटरनेशनल टैक्स में, एंड F1 में मेरे, सो एट द एंड मैंने लास्ट में फिर काफी टाइम लगाया था, तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट इनिशियली मेरे रिविजन्स में मेरे FR के थोड़े वो इंडेक्स छूट गए थे, एंड मेरा लॉ में थोड़ा सा छूट गया था सिलेबस। यस, अच्छा, ये इसका मतलब मेरे, छूटा है, मतलब हाँ जी रैंक करके सिलेबस छूटता है, कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि यस 100% सिलेबस के चक्कर में पड़ जाए और कोर्स पूरा हो, रिविजन नहीं हो पाए, तो वो चीज भी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, जी इसका जब तुम्हारा एग्जाम चल रही थी, लास्ट में 1.5 डे का गैप आता था, तो उस समय
कौन कौन से पेपर ऐसा लगा कि अब तो ये क्या मालूम आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस किस पेपर में लगा? सर फर्स्ट पेपर वाज नाइस, एफआर का अच्छा गया था। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम्स जाते हो रहे थे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा एंड रहा साथ में आई वाज फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज एज वेल एट दैट टाइम, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन आई यूज टू ट्राई कि मैं जो पहले पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वो वाला पूरा सिलेबस एक बार रीड कर लूँ। सो इवन इफ आई कैन नॉट लर्न दैट एट दैट टाइम, जस्ट रीड इट, तो एग्जाम से मुझे वो याद आ जाए कि मैंने पढ़ा हुआ है ये। बिल्कुल। वैसे भी तुमने 4-5 बार, जो 3 तो मॉक टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन हो गया, 1 रिवीजन फिर 20 डेज में हो गया, तो 4 रिवीजन हो गए। 4 रिवीजन के बाद तो अपने को वैसे ही चीज माइंड में सेट हो जाती है। तुमने ये बताओ कि समझ के किया या रटा? समझ के गया था सीए ये फाइनल में, रट क्यों नहीं होगा? बताओ कि कई लोग कहते हैं साहब रट लेना चाहिए, रटना चाहिए, तो क्या रटना जस्टिफाइड है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। रटने से क्वेश्चन एक भी सेम नहीं मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है आईसीआई का कब बिल्कुल सेम नहीं होता है। सो अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी वी कैन अप्लाई आवर माइंड एंड कैन सॉल्व द पेपर। बिल्कुल, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है। और इसके लिए बताओ कि आईसीआई का मैटर ही सफिशियंट है या और बालाजार की बुक्स ही पढ़नी चाहिए अपने को, या कुछ नोट्स वगैरह पढ़ने चाहिए बाजार के? आईसीआई का मटेरियल इज मोर देन सफिशियंट, मैंने वही रेफर किया था। एंड साथ में वी कैन प्रिपेयर आर ओन समरी नोट्स, ऑल्दो मैंने ज्यादा सब्जेक्ट्स ही नहीं किए थे प्रिपेयर, बट यस ड्यूरिंग आवर फर्स्ट रिवीजन वी कैन हाईलाइट इन द मॉड्यूल एंड मेक आवर ओन समरी नोट्स सो दैट वी कैन रेफर इट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। हाँ, तो ये जो उस समय जो समरी नोट्स बनाए वो तुम्हारे एग्जाम में उस समय रिवाइज किया, लेकिन वो क्या है तुमने तैयार कर रखा था, इसलिए अच्छा रहा कि सब चीजें हो गई। अच्छा ये बताओ, जैसे आप तुम शुरू से इंटर से ही मतलब वीएसआई के साथ हो, तो उसका क्या फायदा मिला, मतलब वीएसआई का क्या रोल रहा है इसमें? इसमें सर वीएसआई के मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प किया है। सो फाइनल में भी आई गेव द वीएसआई के मॉक टेस्ट, तो उसमें तैयारी अच्छी हो जाती थी। आई यूज टू कंप्लीट माय सिलेबस ड्यूरिंग दैट टाइम व्हिच यूज टू बी अलॉटेड टू अस फॉर द प्रिपरेशन, एंड उसमें आई यूज टू रिवाइज एंड देन वो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी ड्यू टू मॉक टेस्ट, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। अच्छा, मेरे से तुम डायरेक्ट टच में थी, तो उसका मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मिलता था क्या? यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स बहुत मोटिवेशन मिलता था ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आल्सो, यू कॉल्ड मी सो इट वाज रियली मोटिवेटिंग। यस अच्छा बताओ, अब अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे अब, क्योंकि जूनियर स्टूडेंट्स ये और कहते हैं बाद में कि साहब ये तो रैंकर हो गए, तो इनसे तो मतलब अभी तो वैसे ही मतलब वो करते हैं, तो क्योंकि तुम भी जब तक स्टूडेंट थी, ठीक है ना, अब उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए? सर, उनके लिए यही गाइडेंस है, फर्स्टली बिलीव इन योर सेल्फ। अगर इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। एंड आफ्टर दैट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग योर सीए फाइनल प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर एग्जाम लीव्स, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द आईसीआई स्टडी मटेरियल एंड ट्राई टू रिवाइज द होल करिकुलम एटलीस्ट 4 टाइम्स, सो दैट वुड रियली हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जाम टाइम। बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर देना चाहिए स्टडी। तो यस सर, हाँ थैंक यू अंजलि, और पापा भी साथ में हैं, पापा मम्मी। जी यस हाँ, सर, तो अब उनको उनके तरफ कर दो कैमरा। हाँ जी जस्ट हाँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अंजलि की मम्मी और पापा दोनों ही सीए हैं, और ब्रदर है अखिल, जिसे भी मिलाऊंगा अभी आपको, वो भी पिछले अटेम्प्ट में रैंक के साथ में सीए एग्जाम को क्लियर किया है, सीए बनाया। तो कैसा लग रहा है आपको अंजलि ने जब टॉप किया एग्जाम? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंजलि ने ही टॉप नहीं किया, मैंने ही टॉप कर लिया है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप जब एग्जाम चल रहे थे इसके लास्ट के 4-5 महीने में, उस समय आपको कैसा लग रहा था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? हाँ उस टाइम तो एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ गया था, हमें था कि भाई एटलीस्ट एग्जाम तो दे दे। एटलीस्ट एग्जाम तो दे दें, हाँ लेकिन देखो हिम्मत रखा और हिम्मत रख के और आगे बढ़े, तो रैंक के साथ में सीए बन गई, हाँ जी हाँ और जी रैंक भी सिंगल डिजिट में मायना रखता है।
कैसा? तो मैं एक्चुअली मैं वीएसआई को भी देना चाहती हूँ। वीएसआई की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो काफी इफेक्टिव है और इसमें आपका तो। कैस? हाँ और जी, साथ साथ वो आपको भी इस तरह देनी चाहती हूँ कि जो टाइम टाइम पर अंजलि को मोटिवेट करते रहे बीच में। ये तो ना बिल्कुल एड ऑन फैक्टर था जो आपने इसकी पर्सनली इसमें केयर की, जो आपने मोटिवेशन दी ना इसको सर, वो एक अल्टीमेट चीज थी जो बीच बीच में आपको फोन करते थे, इसको इंस्पायर करते थे, यस यू कैन डू इट। देखो स्टडी करना एक अलग चीज है, किताबें पढ़ लेते हैं ठीक है, टीचर ने किताबें पढ़ा दी, टेस्ट करा दिए, लेकिन जो टाइम टू टाइम आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जिससे फील होती है ना, जो आपका आता था वो बहुत अच्छा था, इसका उसको सर ये बिल्कुल। नहीं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो एग्जाम में लिख दिया वो अपना है, जी जो जी एग्जाम में नहीं लिखा तो मान लो कितनी भी नॉलेज हो कोई काम नहीं आती है। तो ये जो बच्चे एग्जाम है, एग्जाम तो बहुत टफ होता ही है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नर्वसनेस आती भी है, तो उस समय ये हमारा फर्ज बनता है कि इनके नर्वसनेस को दूर करें, जिससे कि अगले पेपर्स में पिछले पेपर्स का इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली तो ये बच्चे को एग्जाम लिखा दिया कि एग्जाम लिख दिया, जब जाके हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, अदरवाइज कोर्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, वहां तक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती है। तो इसका इफेक्ट दिख भी रहा है, और वास्तव में इसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, हमारा भी मतलब प्राउड फील कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है ये। तो अब जी। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत आप तो अच्छा, जैसे प्रेशर रिलीज हो गया माइंड से, वो वाली बात होती है जी। हाँ बिल्कुल सही है। और तो आज आप घर ही हैं, आज खुशी। हाँ तो ऑफिस रखा हुआ है और सभी रिश्ते जो है बस लगातार बधाई हो गए फोन और तो बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत बधाई, आप लोग खूब और मिठाई खिलाओ। बहुत खुशी की बात है, अकेले भी है। जी जी हाँ थैंक यू। हाँ खेल क्या हाल चाल है? हाँ जी नमस्ते सर। मैं बढ़िया नमस्ते हूँ, आप कैसे नमस्ते, कैसा लग रहा? सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंजलि ने एक बार फिर से वो अचीवमेंट कर ली है। इंटर में ऑल इंडिया रैंक 3 थी, सबको हाँ एक्सपेक्टेशन थी ये पूरा वही रेप्लिकेट करेगी, और इस बार भी सिंगल डिजिट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 7। सर सच मैं अ प्राउड बिल्कुल मोमेंट फॉर फैमिली, बहुत ही अच्छा लग बिल्कुल रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आ तो तुम भी घर पे हो मतलब? सर एक्चुअली मैं तो आज मेरा ऑफिस था, तो आई वॉज इन दिल्ली, हाँ तो हाँ मुझे तो ऑफिस जाना था, तो सुबह सुबह फोन आया कि रिजल्ट आ गया, तो ऑफिस से मैंने नहीं लीव ली और मैं डायरेक्टली घर ही आया हूँ। इतनी सही है, एक्साइटमेंट है सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खैर वैसे तो तुम भी रैंकर हो तुम्हारा, लेकिन उस समय इंटरव्यू लेना रह गया था मेरा, क्योंकि एक बार डिले हो गया, ये मान लो फिर डिले हो गया, इसलिए आज मैंने सारे बच्चों का क्या है कि आज इंटरव्यू कंप्लीट करा दिया। सर हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी प्राउड ऑफ अंजलि। अब तो पूरा फैमिली सीए प्रेजेंट में तो। यस सर, मम्मी पापा मम्मी सी है, अब उनके गाइडेंस से हम भी सीए बन गए हैं। पापा और बेटे बेटी दोनों सी है, चारों सी है। हाँ सारे सीए हो गए। चलो बहुत खुशी की बात है, ऐसे कंप्लीट सीए फैमिली बहुत कम मिलती है, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। और अब एंजॉय करो आज तो, और बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच ओके सर। ओके ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके।